हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना राइट। और आज है 4 जुलाई, और 4 जुलाई को जो CRPF टेक्निकल ट्रेड्समैन का एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट का वो समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट है बाहर आने शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा है। वो आपका बहुत बढ़िया। आप कितना बना लिए? बन गया है ठीक ठाक। फिर भी कितना बना है? 90। 90 अब तो बहुत अच्छा बना दिए हैं आप। कैसन भाई, भैया कैसा रहा परीक्षा? बढ़िया गया। कितना बना है? बढ़िया बन गया। बढ़िया बन गया, फिर भी कितना? 80। 80। कौन सा ट्रेड के लिए था आपका? हमको था जीडी कांस्टेबल। जीडी कांस्टेबल के लिए था। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक है था। ठीक है था, सब बनने लायक था। हाँ, बनने लायक। चलिए शुभकामनाएं। कैसा हुआ आपका? ठीक हुआ। आप कितना बना लिए? 92 का अटेम्प्ट किया। 92, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। कैसा लगा क्वेश्चन? ये सर खाली रीजनिंग में तो खाली डायरेक्शन से था ज़्यादा, लगभग 10 क्वेश्चन डायरेक्शन से। अब मैथ से परसेंटेज से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, अब एडवांस से 4-5 को था। हाँ, वही थोड़ा टाइम लिया। अब हिंदी भी ठीक ठाक था, दो सब परवा अच्छी था, सब ठीक था। कौन सा ट्रेड के लिए आप अप्लाई किए थे? कुक। कुक के लिए। हाँ, कुक। ठीक है। लैंग्वेज कौन सा बना है? हिंदी बना। हिंदी बना। हिंदी में क्या क्या पूछा गया? ठीक है, प्रवासी पूछा था, विलोम पूछा था, समय शुद्ध वाक्य पूछा था, शब्द पूछा था, यही सब पूछा था। और हाँ, संधि भी था। जीएस में? जीएस में यही करेंट भी था, ज़्यादा मुगल और दिल्ली संतुलन से था। मैंने इतिहास मेडिवल हिस्ट्री से। हाँ, मध्यकालीन इतिहास से ना। हाँ, मध्य का था, थोड़ा धुनी सब था बस। ठीक है। साइंस में? साइंस में ज़्यादा नहीं था, एक दो नहीं, फिर करेंट था। फिर करेंट था। और इकोनॉमिक से भी ठीक था, बजट से था, वही बस। आप कुछ नहीं? पॉलिटिकल साइंस? हाँ ना ना, इस सब से ना था। ना खाली वही अथी पॉलिटिक्स था, अनुच्छेद एगो पूछ लेता, यही अनुच्छेद ऑप्शन में था, 19, 14, 17 पूछता बस, इतना ही था। फिर इसके बाद जो कंप्यूटर से? कंप्यूटर से नहीं था। कंप्यूटर से ना एको क्वेश्चन नहीं? नहीं एको नहीं था। ठीक है। अब मैथ में क्या क्या था? मैथ में शुरू में तो आया टंकी से 2 क्वेश्चन था, बारी बारी वाला, और बाद टाइम ओवर से 2 क्वेश्चन आया, और बाद नाव धारा से 2 क्वेश्चन आया था, और बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस से एक धारा आया था, CP और SP वाला। अब फिर ओकर बाद एक वाव आया था प्रॉफिट एंड लॉस से, एगो मैंने के 10 रुपया का खरीदता, 50 रुपया में बेचता, और वही खरीदता फिर 50, यही मैंने प्रॉफिट लॉस निकालना था, और वही बचता। आप तो 92 वो बना लिए, कितना सही होने का संभावना उसमें से लग रहा है? थोड़ा सा GS में थोड़ा सा तो हिंदी मैथ और रीजनिंग तो 24 को सही हो जाएगा। आने वाले छात्रों के लिए कोई गाइडेंस? वही है कि मैंने के मुगल सल्तनत पढ़े हिस्ट्री में, इकोनॉमिक से पढ़ ले, करेंट अभी 2021 का पढ़ ले बस, और मैथ से एडवांस पढ़ लेना चाहिए 4-5 को, पूरा एडवांस मैंने के 3D और 2D दोनों आ जाएगा आपका। अब यही प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, परसेंटेज भी एक था इलेक्शन वाला बस। शुभकामनाएं आपको। और डायरेक्शन से रीजनिंग में ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए। हाँ, ब्लड रिलेशन 2 को बस। आपका कैसा हुआ? आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा एग्जाम। आप कितना बनाए? हम 70 क्वेश्चन टर्न किए। ठीक है। आपको कैसा लगा क्वेश्चन सब? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया, आसान था? हाँ आसान था। ठीक है। सबसे मुश्किल चारों में से? मेरा ट्रेन छूट जाएगा अभी। चलिए बढ़िया से ट्रेन पकड़िए। मेरा भाई जी आपका? ठीक है मेरा। आप कितना बनाए? 80 को। 80 को। हाँ ठीक है। कैसा आपको लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन हौला हौला था, मतलब रीजनिंग थी और मैथ थी, सब ठीक ठाक था। सबसे हौला कौन सा सेक्शन लगा? रीजनिंग वाला ठीक था। सबसे हौला रीजनिंग? हाँ, 25 में 25। और मैथ? मैथ 20 को किया होगा। 20 को। हाँ। और GS? GS बहुत अति हार्ड है। हार्ड है तो GS हार्ड काहे लगा? GS हार्ड, हम 2 महीने से अभी इंटर पास करके आए, तो 2 महीना क्लास गेवे किए हैं अभी। अच्छा अच्छा। और मैथ सब तो 10th 12th में पढ़वे किए, इसी वजह से मैथ हो गया। लैंग्वेज कौन सा बना है? आई लगावे दीजिए। लैंग्वेज कौन सा बना है? लैंग्वेज लैंग्वेज बना है हिंदी। हिंदी। अच्छा, कंफ्यूजन है क्या कि हिंदी की इंग्लिश बना है? ना, हिंदी हिंदी बना है। हिंदी में क्या क्या पूछा गया? हिंदी में सब समास था, संधि, फिर प्रवाची शब्द, फिर उल्टा शब्द, फिर आपने चुना रहा था गलती कौन है सही कौन। हिंदी हौला लगा कि नहीं? हिंदी भी ठीक ठाक। कितना सही हो जाएगा? हिंदी में 18+ हो जाएगा। 18+ हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, थैंक्स। आपका कैसा रहा भाई जी? ठीक है। आप कितना बनाए? मैथ 76। 76। हाँ अच्छा है। आपका ट्रेड क्या था?
ट्रेड में कुक था। कुक था, ठीक है। सबसे हार्ड कौन सा लगा? जीके जीएस हार्ड होने का कारण क्या है? उसमें प्राचीनतम इतिहास कम ज़्यादा क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जो था, जो प्राचीनतम इतिहास था कि लो ऐसी जो सड़क जो है ना, सबसे पहले सड़क कौन सा दुर्ग में हुआ था, तो लोथल करके ऑप्शन था, चौहद्रो ऑप्शन था, 5-6 दो तीन गो क्वेश्चन जो याद है अभी। और हिंदी में परिवाची शब्द जो था, रथ का परिवाची शब्द हुआ, और संधि विच्छेद में था उत्पल स्थानीय था, संधि विच्छेद था। मैथ में इजी था, मैथ ज़्यादा कोई खास नहीं था, ज़्यादा कोई खास नहीं। मैथ में अगर जो बंदा अच्छा से पढ़ ले हो, जैसे 25-24 मार सकता है आराम से, तो ऐसे नॉर्मल एवरेज लेके जाए बच्चा को, तो 21 मार सकता है आराम से, और रीजनिंग में 25 मार सकता है। कितना महीने की तैयारी में आराम से परीक्षा निकाल सकते हैं? अभी तो हम फिलहाल इसको जीडी का फिजिकल दे के आए थे, जो लास्ट में 15 तारीख को था फिजिकल मेरा, तो उसको देने के बाद हम तैयारी करने का स्टार्ट किया। तकरीबन 15-20 दिन उसको समय मिला था। 15-20 दिन में पढ़ लिया जाए तो हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि हो जाएगा, लेकिन इतना है कंफर्म है कि जो बंदा पहले से जो तैयारी करता, मैं जीडी जो तैयारी करता हूँ, वो ऑटोमेटिक की में क्वेश्चन मार्क बना सकता है, तो 70+ आराम से जो बच्चा बना, जो पढ़ लेगा 70+ आराम से मारता होगा, 70+ या 80। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। रहा भाई जी? बढ़िया रहा। कितना बना लिए? लगभग 100 तो 100, कम से कम 75 बना है। 100 बना लिए, अटेम्प्ट कर लिए क्या? अटेम्प्ट तो किए, माइनस मार्किंग नहीं था ना। अच्छा, माइनस मार्किंग नहीं है। 75 को लग रहा है सही हो जाएगा, कंफर्म? माइनस मार्किंग है। कैसे आप बोल रहे हैं माइनस मार्किंग नहीं है जी? नहीं तो आप बना लिए थे। आप कितना बनाए भैया? आप कितना अटेम्प्ट किए? 83। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का? अच्छा है। अच्छा, टॉपिक वाइज बात कर ले तो टॉपिक हड़प्पा सभ्यता से 2 क्वेश्चन मेरे को मिला है, और साइंस वगैरह, साइंस वगैरह सिर्फ एक ही मेरे क्वेश्चन दिखा है। एंड करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स से था क्वेश्चन, मेरे को मेरा तबीयत खराब हो गया था इसलिए थोड़ा अच्छे से देख नहीं पाया, हर चीज याद नहीं है। कोई बात नहीं, आपको सब और मैथ्स में बता दीजिए। तो मैथ में थोड़ा परसेंटेज से था, और परसेंटेज, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस था, DI भूल नहीं कह रहा है अभी, माइंड काम। कोई बात नहीं, आपको सब काम सही नहीं है अभी। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा परीक्षा भाई? बहुत बढ़िया। कितना बनाए? 80-90 बनाए। कैसा क्वेश्चन लगा? टफ लगा, इजी की हार्ड? थोड़ा टफ था। मैथ वाला थोड़ा टफ था, मैथ सेक्शन टफ लगा। अच्छा, मैथ्स में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है? मैथ्स में वही त्रिभुज वगैरह, उसी के बारे में, गोलाकार के बारे में। कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई किए हो? मैं CRPF कुक ट्रेड के लिए। CRPF कुक के लिए किए हैं, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर सेक्शन से पूछा जा रहा है? रीजनिंग में वही लोथल वगैरह इस टाइप का, लोथल गोलाकार इस टाइप का। GS में बताइए। GS में मतलब पहले तो रहता था कि वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछता था, हिस्ट्री से। हाँ जी, हिस्ट्री से। अब तो थोड़ा हिस्ट्री से भी पूछ रहा है, थोड़ा ये उससे भी पूछ रहा है, जनरल नॉलेज से भी पूछ रहा है। कंप्यूटर वगैरह से, साइंस वगैरह से क्वेश्चन इस बार तो नहीं, मेरे में तो नहीं आया। जनगणना, करंट अफेयर? करंट अफेयर में था। कितना क्वेश्चन करंट अफेयर से? करंट अफेयर में 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर। अच्छा, कितना सही हो जाएगा 90 में से? 90 में से मेरे ख्याल से 75-76। शुभकामनाएं आप। थैंक यू। सो इस तरह के आज का पेपर का अपडेट रहा। मैथ्स और रीजनिंग के सवाल काफ़ी इजी आ रहे हैं। मेन जो है गेम प्ले वो GS पे ही है। जो GS जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा उसका उतने सिलेक्शन होने की संभावना है। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट, एंड मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।